हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम या आयतन की। आज हम सीखेंगे इन सॉलिड्स का वॉल्यूम या आयतन निकालना, जिनके नाम है घन या क्यूब, घनाभ या क्यूबॉइड। शुरुआत करते हैं घनाभ या क्यूबॉइड से। घनाभ या क्यूबॉइड के एग्जांपल आपने जरूर देखे होंगे। पहला है ईंट, जो घरों में यूज करते हैं हम, ब्रिक, या फिर बॉक्स, जो हमारा बॉक्स या संदूक जिसको बोलते हैं। इनमें इसको बोलेंगे हम लेंथ या तो लंबाई, ये वाली हो जाएगी चौड़ाई या तो ब्रेथ, और ये वाली हो जाएगी हाइट। इसी तरीके से संदूक है, इसमें ये लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है, ये वाली हाइट है। ये दोनों एग्जांपल हैं क्यूबॉइड के। जो हमारा घनाभ या क्यूबॉइड है वो थ्री डायमेंशनल है, मतलब त्रि आयामी है। इसमें तीन चीजें हैं, एक है लेंथ, लेंथ को हम डिनोट कर देंगे एल से, और फिर दूसरी है ये वाली ब्रेथ या तो चौड़ाई, इसको डिनोट करेंगे बी से, और ये तीसरी है हमारी हाइट, इसको कर देंगे एच से। लिख देते हैं हम लेंथ या लंबाई को एल से डिनोट कर देंगे, ब्रेथ या चौड़ाई को हम बी से कर देंगे, हाइट या ऊंचाई को हम एच से कर देंगे। इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। क्यूबॉइड का स्पेशल केस है क्यूब, जबकि यहाँ पे क्यूब में जो लेंथ है वही ब्रेथ है और वही हाइट है, तीनों सेम है, तो इनको हम साइड को किसी एक चीज से डिनोट कर देते हैं, ए मान लेते हैं ए। तो जो लेंथ है हमारी, देखिए लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, सारी चीजें क्या हो जाएंगी ए ए। तो इसकी जो एक साइड है, सभी साइड की लेंथ कितनी कितनी हो जाएगी एजेस की, ए ए ए। अब इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे हैं, ये डाइस है जो लूडो या सांप सीढ़ी में यूज करते हैं हम, ये बॉक्स है घरों में जो हम यूज करते हैं। तो इनमें सब में एक ही प्रॉपर्टी है क्या, कि इनकी जो सारी साइड्स हैं लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, या बोलते हैं एजेस सेम है इसमें भी और इसमें भी। अब बात करें इसके वॉल्यूम की, तो हमारा जो क्यूबॉइड था उसमें था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन इसमें तीनों चीजें सेम है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड, थ्री टाइम्स लिख देंगे, या क्या लिख देंगे, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। और एक भुजा को हमने किससे डिनोट किया है, यहाँ पे ए से डिनोट किया है, तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए इंटू ए इंटू ए। अगर तीन बार है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस्ट पावर थ्री या ए की घात में तीन। ये हो गया हमारा इसका आयतन या वॉल्यूम। वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, शुरू करते हैं। इसने बोला चित्र को देखिए और सही विकल्प चुने। इसने यहाँ पे पूछे हमसे, इसमें जो ये डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, ये क्यूबॉइड या घनाभ का है, इसमें कितने कोने हैं, कितने किनारे और कितनी सतह, या बोल दें कितने कॉर्नर्स हैं, हमें कॉर्नर्स पता लगाने हैं, एजेस पता लगाने हैं, किनारे और फेसेस, फेस मतलब सतह पता लगानी है, फेसेस, ये सारी तीनों चीजें पता लगानी है। तो इस डायग्राम में कुछ चीजें तो साफ दिखाई दे जाएंगी हमें, कॉर्नर्स हैं जो किनारे हैं, किनारे या कॉर्नर्स तो बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएंगे। कितने किनारे हैं इसमें, देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 ऊपर हैं, इस तरीके से 5 6 7 8, इसमें 8 हमारे क्या हैं, कोने हैं, या तो बोल दें कॉर्नर्स हैं। अब बात करें किनारों के, किनारे इससे क्लियर नहीं होंगे, किनारों के लिए चलते हैं हम। अब बात करते हैं एजेस या किनारों की, काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 एजेस तो इस तरफ हो जाएंगे, और 4 एजेस हो जाएंगे दूसरी तरफ, 5 6 7 और ये 8, और अब ये हो जाएगा यहाँ पे 9th 10th 11th, और एक इस तरफ हो जाएगा उस तरफ 12th। तो एजेस हो गए हमारे 12, हमारे 12 एजेस हैं। हम ये चाहें तो बॉक्स में भी क्लियर कर सकते हैं, देखिए ऊपर में 4 हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 एजेस या किनारे हो गए एग्जैक्टली। इसी तरीके से बॉक्स में नीचे ही 4 हो जाएंगे, जो हमें दो दिखाई नहीं देते, 4 हो गए, 1 2 3 4, नीचे के 4 हो जाएंगे, 1 2, दो दिखाई नहीं देते 8, और एक ये 9 और एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12। आप इजीली बिल्कुल जो हमारी ईंट है, ब्रिक है, उससे काउंट कर सकते हैं घर पे भी। तो जो कॉर्नर्स हैं हमारे, कॉर्नर्स से कितने हुए थे, 8 कॉर्नर हुए थे, और एजेस हो गए 12, किनारे हो गए थे 12, और जो फेसेस हैं सतह हैं, आप सतह को भी देख लेते हैं कितनी सतह हैं, फेसेस कितने हैं, देखिए ये दिखाई दे रहे हैं हमें 1 2 3, 3 फेस तो ये दिखाई देंगे, और 3 फेस इसके दूसरी तरफ दिखाई दे जाएंगे हमें, 3 फेसेस हो जाएंगे इसके दूसरी तरफ, ये हो गए 1 2 3, तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे 6।
फेस हो गया हमारे जो सतह हैं वो हो जाएंगे 6। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा, इसने बोला कॉर्नर्स कितने होंगे भाई, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स सभी में दे रखे हैं इनमें पहले तीन में, फिर बोला एजेस कितने हैं जो किनारे हैं वो कितने हैं 12, तो 12 किनारे इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी, फिर बोलता है फेसेस कितने हैं 6, तो फेसेस कितने हैं सतह छः सिर्फ इसमें दे रखे हैं इसमें भी, तो हमारा राइट जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, 8 कोने 12 किनारे 6 सतह, या बोलते हैं 8 कॉर्नर्स 12 एजेस और 6 फेसेस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घनाभ का आधार वर्गाकार है, ऊंचाई 8 मीटर है, घनाभ का आयतन 32 घन मीटर है, घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया इसने, एक क्यूबॉइड हैज अ स्क्वायर बेस, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 मीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 32 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये क्यूब है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, जो वॉल्यूम होता है हमेशा किसी भी चीज का वो क्यूब में मापते हैं, घन मीटर या तो घन सेंटीमीटर या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह लिख देंगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोल रहे हैं कैसे, या तो घन सेंटीमीटर घन मीटर या तो वर्ग क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसने हमें इस क्वेश्चन में बोला कि इसका जो बेस है वो कैसा है, वर्गाकार है, स्क्वेयर बेस है, तो इसमें घनाभ या बोले क्यूबॉइड इसमें तीन चीज होती है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो इसने बोला जो इसकी लेंथ है और जो ब्रेथ है वो सेम है ना, तो लेंथ है जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है, इसने बोल दिया लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम, क्योंकि इसने बोला जो इसका बेस है वो कैसा है, वर्गाकार है, स्क्वायर बेस है, तो लेंथ ब्रेथ सेम है, और इसने बोला इसकी हाइट कितनी है, एच इसने हमें दे दी, एच है इसकी 8 मीटर, और इसने साथ में वॉल्यूम भी दे दिया, वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम है 32 मीटर क्यूब। अब हमसे बोलता है फाइंड द लेंथ, तो हम इसमें एक काम करें, दोनों एक जैसी हैं तो इनको कुछ और मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ आर एक्स, हमने खुद से मान लिया कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है इसकी, एक्स है, तो इनको दोनों को मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, जो लेंथ है उसकी जगह भी एक्स लिख दिया और जो ब्रेथ है उसकी जगह भी एक्स लिख दिया मैंने। अब वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये कितना दे दिया 32। अब लेंथ और ब्रेथ का तो हमें पता ही नहीं, लेंथ भी कितनी है हमारी थर्ड एक्स है और ब्रेथ भी कितनी है एक्स, तो दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, एक्स गुना एच, एच का तो पता है हमें एच कितनी है 8 32। अब हमारा काम है किसी तरीके से एक्स की वैल्यू निकालना, तो ये एक्स एक्स तो यहीं पर रह जाएंगे, एक्स इंटू एक्स, और जो ये 8 है 8 यहां पे इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32/8, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 4 8 4 32। अभी इसको इस तरह लिख दें हम, x इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटू टू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इस तरफ तो x गुना x है, इस तरफ 2 गुना 2 है और बीच में साइन है इक्वल का, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी इससे हमारी, x इज इक्वल टू 2। तो x क्या थी हमारी, लेंथ भी थी ब्रेथ भी थी, इसने बोला फाइंड द लेंथ, तो लेंथ भी 2 है और ब्रेथ भी 2 है, लेकिन इसने हमसे पूछा क्या, सिर्फ लेंथ पूछा है, तो लेंथ है हमारी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया इसने, टू सॉलिड क्यूब्स ईच ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और अब हमने क्या लिया इसमें, 10 सेंटीमीटर साइड वाले टू क्यूब्स हैं ना, इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ कहने की है, 10 लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी सब कुछ, ये भी 10 है, ब्रेथ भी और ये हाइट भी। अब इसने बोला कि ये दो जो क्यूब है हमारे या तो घन है, इनको मिला के एक घनाभ बना दीजिए ना, दोनों क्यूब्स हैं इनको मिला के हम क्या बना देंगे, क्यूबॉइड बना देते हैं सपोज करो। तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इसमें होगा क्या, ये 10 था और ये 10 था, तो जो इसकी लेंथ है वो तो हो जाएगी 20। अब ये एक तरह से क्या बन गया हमारा, ये बन जाएगा घनाभ या क्यूबॉइड, तो इसकी जो लेंथ है वो तो हो जाएगी 20, लेकिन जो ब्रेथ है वो तो उतनी रहेगी 10, और जो हाइट है वो भी कितनी रहेगी 10। तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा हमारा, इस क्यूबॉइड में एक तो लेंथ चेंज होगी, सिर्फ लेंथ ही चेंज हो जाएगी, ब्रेथ तो 10 रहेगी और हाइट 10 रहेगी। कुछ इस तरह भी कर सकते हैं हम इनको, इनको पास पास लेके आगे, दो थे हमारे ये क्यूब, अब ये बन जाएगा क्यूबॉइड आ गए है ना, एक ये क्या बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड है, ये 10 था इतना, ये एक 10 था एक 10 ये, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 20। और जो ये ब्रेथ है हमारी, मैं इसको ब्रेथ मान लेता हूँ, ये वाले दिस इज ब्रेथ, ये कितनी रहेगी, ये तो 10 ही रहेगी, और ये वाली हो जाएगी हमारी हाइट,
है ना, ये हो जाएगी हाइट 10। तो हमारी जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा, नया घनाभ बनेगा, उसकी लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ रहेगी 10 सेंटीमीटर और एच हाइट भी रहेगी 10 सेंटीमीटर। सिर्फ लंबाई में बदलाव आ गया, जो दो घनाभों को, या इस तरह भी कर सकते हैं हम, एक घनाभ को ही मैं इस तरह हमने डबल कर दिया था ये, तो क्या हो जाएगी, जब दोनों को मिलाया तो इस तरह बन गया हमारा ये। तो लेंथ थी, ये दोनों के मिलाने से क्या होगी, लेंथ तो आपकी डबल होगी, लेंथ तो ये क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक डबल हो जाएगी, लेकिन जो ब्रेथ है उसमें कोई चेंज नहीं आया, और जो हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो लेंथ डबल हो जाएगी, ब्रेथ उतनी रहेगी, हाइट उतनी रहेगी। अगर हम दो क्यूब्स को इकट्ठा मिला देंगे, दो घनों को मिला के घनाभ बनाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में बदलाव होगा। तो बोला भाई वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, वॉल्यूम का फार्मूला पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या बोल देंगे एल इंटू बी इंटू एच। तो एल कितना हमारा 20, बी कितना है 10 और एच कितना है 10, तो सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2 और ये कितने जीरो है 3 जीरोस हैं, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, या इसको बोल देंगे 2000 घन सेंटीमीटर। तो आंसर है हमारा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला ए क्यूब ऑफ लेड विद एज 6 सेंटीमीटर ईच इज मेल्टेड टू फॉर्म 27 इक्वल क्यूब्स, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द ईच स्मॉल क्यूब इज, क्या बोल दिया, 6 सेंटीमीटर भुजा का लेड से बना घन कोपिंग लाकर 27 छोटे घन बनाए जाते हैं, एक छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इसने क्या बता दिया हमें, इसने बोला एक बड़ा सा घन है हमारे पास, क्यूब है बड़ा सा, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, साइड है 6 सेंटीमीटर। अब इसको पिंग ला के हमने इसको मेल्ट किया, इसको मेल्ट करके हमने छोटे छोटे कितने छोटे छोटे 27 क्यूब्स बना दिए, छोटे छोटे 27 क्यूब्स बना दिए। ये क्यूब्स भी, ये भी क्यूब्स हैं, देखने में लगता है कि क्यूब नहीं है, अगर हम इनको बड़ा करेंगे तो हमें पता लगेगा ये क्यूब्स ही हैं। देखिए ये क्यूब्स ही हैं, 27 क्यूब्स हैं। तो इसने बोला कि अब एक छोटे वाला जो क्यूब है इसकी साइड बताइए, तो इसमें इसको हमने मेल्ट किया, पिंग लाया, ये 27 क्यूब्स बनेंगे। तो इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, जितना आयतन इसका होगा उतना आयतन इसका होगा। आयतन या वॉल्यूम, कितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, कितनी जगह घेर ली, क्योंकि इसको मेल्ट करके बनाए हैं, तो जो इनका वॉल्यूम, इस अकेले का वॉल्यूम होगा वही सारे सारे मिला के 27 का वॉल्यूम होगा। तो हम एक काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल क्यूब, इनका दोनों का वॉल्यूम इकट्ठा रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स। अब बात करें इसके वॉल्यूम की, ये वॉल्यूम हो जाएगा बड़े वाले का और ये हो जाएंगे छोटे वाले के वॉल्यूम 27। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना, वॉल्यूम क्या था हमारा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 times लिख देते थे साइड को। तो साइड है कितनी हमारी, 6 है, तो 6 × 6 × 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ये जो छोटे 27 क्यूब्स हैं इनका वॉल्यूम, तो एक का वॉल्यूम निकाल दें, इसकी साइड तो पता ही नहीं हमें कितनी है, तो एक साइड को हम ए मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब बी ए। तो एक की ए है तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, ए, तो साइड है इसकी ए, तीनों साइड क्या हो जाएगी, ए इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इंटू ए इंटू ए, क्योंकि इसकी सारी साइड कितनी है, ए ए है, और ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स हैं, 27 है, तो इस तरह लिख दिया हमने। ये हुआ क्या यहाँ पे, ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम था लार्जर क्यूब, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और ये आ जाएगा हमारा जो छोटे 27 क्यूब्स हैं हमारे, छोटे 27 घन हैं उनका वॉल्यूम, उसकी साइड हमें पता नहीं थी, तो साइड हमने क्या मान ली थी, ए मान ली थी, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब इसको सोल्व कर देते हैं, हमारा काम है ए की वैल्यू निकालना। अब एक काम करेंगे हम, यहाँ पे ये जो 27 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आते हैं, 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाय 27, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू ए इंटू ए। अब क्या करते हैं हम, 27 के अगर आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या लिख देंगे, 3 × 3 × 3। तो मैंने ऐसे किया, 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाय 3 × 3 × 3, और इस तरफ क्या रहेगा भाई, a इंटू ए इंटू ए, अभी कैंसिल हो जाएंगे, 3 × 2 सभी में ऐसे होगा, 3 × 3 × 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू a इंटू ए इंटू ए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम, तो क्या है इधर, a कितनी बार है,
तीन बार है, दो कितनी बार है, तीन बार है, और बीच में साइन किसका है, बीच में इक्वल का, बराबर का निशान है। तो इससे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो तीन बार ए, तीन बार दो, तो ए का मान या ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। तो ए की जो साइड हमारी क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। इसने बोला था कि भाई जो छोटा क्यूब है उसकी साइड बताइए, छोटे घन की भुजा बताइए, तो छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। इसने हमें इसका वॉल्यूम बता दिया, जो एक हमारा घन या क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना दे दिया, 343। अब बोलता साइड निकालिए, तो हम इसके फैक्टर आते हैं, फैक्टर या गुणनखंड कर लेंगे। इस तरह करेंगे, ये देखिए किससे डिवाइड होता है, 3 से नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 पे होगा। अगर करके देखेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ पे 6 3, फिर ये आ जाएगा हमारा 7 9 जा, फिर एक बार करेंगे आप 7 7 जा। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 343 के फैक्टर करेंगे तो 343 को कैसे लिख दिया हमने, 7 × 7 × 7। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 343 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 7 × 7 × 7। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है हमारा साइड इंटू साइड इंटू साइड, ऐसे लिखते हैं हम, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तीन बार भुजा लिख देते हैं। तो अब की बार ऐसे लिख देते हैं हम, भुजा गुणा भुजा, और एक बार और, ये हमारा आयतन का सूत्र है। तो ये हो गया 7 × 7 × 7। अब देखिए यहाँ पे जो भुजा है कितनी टाइम से, कितनी बार है, तीन बार है, और जो हमारे ये जो 7 है, ये 7 भी कितने टाइम से, 3 टाइम्स है, और बीच में इक्वल का साइन है, बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। तो तीन बार ही साइड है और तीन बार ही 7 है, तो यहाँ पे एक भुजा की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, एक भुजा आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है।